मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब आ रही है। यस मैम। ओके सो लास्ट टाइम वी हैव रेड चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, हनी कॉम्ब का। नाउ टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बुक है आपके पास जैना, हनी कॉम्ब? नो मैम, कब आएगी बेटा बुक आपकी? जो पोयम पढ़ाया था उस दिन आप थे क्लास में? स्क्वायरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज स्क्रेवनी, है ना, स्क्रॉनी। एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रॉनी इज थिन, है ना, मतलब बहुत ही पतला। द नेक्स्ट वर्ड इज पार्टी। एंड मीनिंग ऑफ पार्टी इज ग्रैंड मदर। बच्चों ये एक तमिल वर्ड है पार्टी। थ्रो हर ऑफ द सेंट, सो सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मीनिंग क्या होगा? मिसलीड हर, मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द रियल पर्पस स्टार्ट दिस चैप्टर। मेधु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। चेन्नई जो अभी का चेन्नई है, पहले उसको मद्रास कहा जाता था। सो मृदु एक यंग लड़की है जो कि बड़ी हो रही है कहाँ पर? मद्रास में। विद टोपी, किसके साथ? टोपी के साथ हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, एंड थाथा, और थाथा के साथ हर ग्रैंड फादर। सो जैसे पार्टी का मतलब ग्रैंड मदर था, वैसे ही थाथा का मतलब ग्रैंड फादर। हर वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रक्कू मनी, रकु मनीज हाउस। तो एक दिन जो तापी है वो उसको रकु मनी, उसकी आंटी है, उसके घर लेकर जाती है टू मीट हर कजिन्स लल्ली रवि एंड मीना। सो मृदु जो है अपने कजिन्स लल्ली रवि और मीना से मिलने जाती है, और वहां पर क्या होता है लेट्स फाइंड आउट। सो स्माइलिंग रकु मनी थ्रू ओपन द डोर। अब आंटी ने स्माइल करते हुए दरवाजा खोला, रखुमनी आंटी ने स्माइल करते हुए दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़कर, रश आउट मतलब तेजी से दौड़कर बाहर आते हैं, एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने क्या किया, मृदु को घर के अंदर खींच लिया, जो उसके कजिन्स है दोनों।
रवि और मीना. सो वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्टेड इज कि उसने इनकार किया है ना. मीना ने मृदु ने क्या कहा, रुको मुझे अपनी स्लीपर्स को बाहर उतार लेने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. तो उसने अपने नए नए एकदम अच्छे साफ सुथरे ब्लैक जोड़े जो जूते थे उसको उतारा. Those were grey actually with dust. अब ब्लैक जूता है मिट्टी से वो किस कलर का हो गया है, ग्रे कलर का हो गया है. Those, हाँ, you could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और टो के ऊपर जो शूज का आगे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर पैर की उंगलियां होती हैं वहां पर आप मार्क देख सकते हो धूल के. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. स्क्रॉनी मतलब क्या, स्क्रॉनी का मतलब थिन, मतलब पतला. तो आप वहां पर उसके पंजों की जगह पर जहां पर स्लिपर में पंजों की जगह पर आप वो मार्क देख सकते हो. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लिपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. और मृदु को ये देखने का टाइम नहीं मिला कि वो दूसरी स्लिपर्स किसकी हैं क्योंकि रवि ने उसको अंदर खींच लिया था. फिर बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और जो स्लीपर्स थे वो कहां पर चले गए थे, जो थिक बुश, बुश क्या होता है, झाड़ियां. देखो यहाँ पर एक झाड़ी बनी हुई ना ऐसे टाइप की, उसी के पीछे वो स्लीपर्स थे. तो रवि ड्रैग हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. रवि उसको बैकयार्ड में लेकर गया, मतलब जहां पर जो आंगन होता है ना घर के अंदर, वहां पर एक क्या था, बेरी बुश था, बेरी का पेड़ था, वहां पर थोड़ी बेरी की झाड़ियां थी. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. टॉर्न, द मीनिंग ऑफ टॉर्न इज फटा हुआ. तो फटी हुई एक फुटबॉल थी उसी झाड़ी के नीचे. बिहाइंड थिक बिटर बेरी, मतलब बेरी के जो बेरी का जो झाड़ था उसके नीचे क्या थी, फुटबॉल थी जो कि फटी हुई थी. लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, सैंड भरा हुआ था, रेत भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उस फुटबॉल के अंदर कौन लेटा हुआ था, छोटी सी किटन लेटी हुई थी, मतलब बिल्ली का जो बेबी होता है वो लेटा हुआ था. Lapping up milk from a coconut half shell. और नारियल का जो shell होता है, नारियल का जो hard सा shell होता है, उसके अंदर उसको क्या दिया गया है, milk दिया गया है. We found him outside the gate this morning. हमने इसको gate के बाहर आज सुबह ही पाया है. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. Meena ने मृदु को बताया कि इस बिल्ली का जो बच्चा है किटन है, इसको हमने आज ही सुबह अपने गेट पर से पाया है और ये पूरे टाइम म्यूइंग और म्यूइंग कर रहा था, मतलब रो रहा था. म्यू की जो आवाज होती है ना किटन की, वैसे निकाल रहा था. Meena, हाँ, it's a secret. तो और ये क्या है, एक सीक्रेट है, ये एक राज की बात है. अम्मा says party will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो क्या बता रहा है ग्रैंड मदर, मीना क्या बता रही मृदु को कि अम्मा ने कहा है कि जो पार्टी है यानी कि दादी माँ है वो हमारा घर छोड़कर पड्डू मामा के पास चली जाएंगी अगर उनको पता चल गया कि हमारे घर में कैट पली हुई है. So, क्या बता रहा है रवि कि अगर दादी माँ को पता चल गया कि हमारे घर में कैट है तो जो दादी माँ है वो मामा के घर चली जाएंगी, नाराज हो जाएंगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम.
तो क्या कह रही है मीना? लोग कहते हैं कि जानवरों पर दया करो, जानवरों पर दया करो, लेकिन जब हम दया करते हैं, उनको पेट बनाते हैं, तो वो चिल्लाने लगते हैं। मतलब वो अपने घर वालों को सुना रही है कि ये लोग हमको पेट नहीं पालने दे रहे हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि ने क्या कहा मीना को? उसका जो भाई है रवि कह रहा है कि उस डर्टी क्रिएचर को, उस गंदे से जीव को अंदर मत लाना। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? सो वो क्या कह रहा है मीना और मृदु से कि तुमको पता है कि थोड़ा सा इसको, इसके पीने के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आना किचन से कितना मुश्किल काम है? क्यों मुश्किल है? क्योंकि घर वालों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सो छुप कर किचन से लाना पड़ता है। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी मतलब दादी माँ ने अभी अभी, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी मुझे इस ग्लास ऑफ मिल्क के साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैंने क्या बताया उनको, दादी माँ को, कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे ये पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब है, ये हमने बताया ना, मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। तो दादी माँ को दिखाने के लिए मुझे वो ग्लास ऑफ मिल्क जो मैं किटन के लिए लाया था, वो खुद थोड़ा सा पीना पड़ा, ताकि दादी माँ को शक ना होने पाए कि ये मैं किटन्स के लिए लेकर जा रहा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और फिर वो टम्बलर वापस चाह रही थी। पार्टी पार्टी आई वॉश इट माई सेल्फ। तो जो बर्तन था, दादी माँ कही थी मुझे वापस करो, तुमने पी लिया है तो मुझे दे दो, मैं इसको धो देती हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा, रवि ने क्या कहा, पार्टी पार्टी डोंट आई आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद से धो दूंगा। व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने क्या बोला दादी माँ को, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपको ट्रबल में नहीं डालना चाहता, मैं खुद से इसको, बर्तन को साफ कर दूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। वो क्या कह रहा है कि मुझे इस मिल्क को, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन दिस इंटू दिस कोकोनट शेल, ये जो कोकोनट शेल है इसमें मुझे ये मिल्क को दौड़ कर आकर डालना पड़ा। और एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब कि उसको शक हो जाए। तो मुझे जल्दी से ये जो मिल्क है इसको नारियल के टुकड़े में डालना पड़ा और दौड़ कर जाकर बर्तन वापस से धोकर रखना पड़ा, ताकि दादी माँ को फिर से शक ना हो जाए। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। तो हमें हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु जो थी वो बड़ी ही इम्प्रेस हुई, बड़ी ही आश्चर्य हुई कि इतने छोटे से किटन का नाम महेंद्रन रखा है तुमने। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, कैट नेम। और जैसे आमतौर पर लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स का, पेट का नाम रखते हैं, जैसे जिम्मी, शेरू, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं, मोंटी। लेकिन इसने क्या रखा, रियल नेम रखा है, इंसान का नेम रखा है, क्या, महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। उसने क्या बताया कि इसका जो रियल नेम है, जो पूरा नेम है, वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और अगर आपको इसको छोटा रखना है तो एमपी पुनाई इसका शॉर्ट नेम है। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और ये बहुत ब्रीड, द मीनिंग ऑफ ब्रीड इज प्रजाति, है ना, तो ये बहुत अच्छी प्रजाति की कैट है।
जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। फर क्या है? जो एनिमल का ऊपर का जो हेयर होता है। तो क्या कहता है, जस्ट लुक एट इट फर, इसका फर देखो, लाइक लायंस मेन। मेन क्या होता है? लायन, जो बच्चा होता है ना लायन का, कह रहा है कि जैसे लायन का बच्चा होता है वैसे इसके फर है। एंड यू नो व्हाट, द एम्बलम, हाँ द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू नो, वो कह रहा है कि जो एम्बलम था, जो चिन्ह था महान पुराने समय के पल्लव राजाओं का, पल्लव राजाओं का जो चिन्ह था वो आप नहीं जानते? ही लुक एक्सपेक्शनली एट मृदु, मृदु की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम पल्लवा का जो सिंबल था उसको नहीं जानते? मृदु ग्रिल्ड, मृदु ने थोड़ा सा गिगल्ड, मतलब थोड़ा सा हंसी, धीरे से कहते नहीं हंसते खिखी करके जो हंसते हैं वैसे वाली गिगल्ड। थिंग आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर, जब वो हंसी धीरे से तो उसने क्या कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? इट्स क्लियर डोंट नो अ थिंग, है ना? वेट, जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। रुको, थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, Have you? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? अब रवि मृदु से क्या क्या पूछ रहा, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously, रवि ने बहुत ही एकदम मिस्टीरियसली वे में पूछा, मतलब एकदम आश्चर्य होते हुए रहस्यमय तरीके से पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? Well, when our class went to महाबलीपुरम, I saw a statue of this थाथास 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 इलेक्ट्रास और एक्सेट्रास। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। क्या बता रहा है रवि, कि जब हम महाबलीपुरम गए थे, सो यहाँ पर देखो थाथा का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर इन तमिल, ठीक है? तमिल में ग्रैंडफादर कहते हैं, और डिसेंडेंट फ्रॉम, डिसेंडेड फ्रॉम का मीनिंग क्या है, डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम, द फैमिली, द सेम फैमिली। सो ये क्या बता रहा है कि अरे जब हम लोग महाबलीपुरम गए थे तब मैंने देखा था, क्या देखा था, कि महेंद्रन, जो महेंद्रन हियर, यहाँ पे जो ये महेंद्रन है ये बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह था, डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, वो जो पुरानी एंशियंट कैट थी महाबलीपुरम में, ऐतिहासिक जो बिल्ली थी वो सेम महेंद्रन डिसेंडेंट कर रहा है, मतलब उसी के परिवार की बिल्ली ये है, मतलब सेम वही प्रजाति की बिल्ली ये भी है। फिर आदित्य, आपके पास बुक है? नो मैम, नहीं है। अच्छा, क्लोज रिलेटिव, पक्का ये जो बिल्ली है ये उस बिल्ली की, जो ऐतिहासिक कैट है उसकी कोई सगी रिश्तेदार होगी, मतलब कोई क्लोज रिलेटिव होगी। फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग, मैं एकदम साइंटिफिकली बताऊं, ऑफ नन अदर देन द लायन, अगर मैं साइंटिफिकली कहूं तो ये लायन की प्रजाति की है,
पल्लवा लायन, कौन सा लायन, जो पल्लवा किंग लोग का शेर होता था। एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो उनका जो निशान था, चिन्ह था, उस पर जो लायन बना हुआ है, उसी की प्रजाति की ये जो बिल्ली है, जो महेंद्रन कैट है हमारा, ये भी उसी की प्रजाति का है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और रवि क्या है, जो बेरी बुश है उसके पास जाता है, वेविंग अ ट्विग। ट्विग क्या होता है, थोड़ा सा झाड़ जो नहीं होता, झाड़ का जो पत्ते जिसमें लगे होते हैं वो झाड़। तो उसको उसने क्या किया, वेव किया, ऐसे ऐसे हिलाया। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। क्या कहता है, ये जो बिल्ली है, ये जो महेंद्रन है, ये और कोई नहीं, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है, जो ऐतिहासिक बिल्ली है, ये उसी की रिश्तेदार है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं तुमको ये भी याद दिला दूं कि जो पुराने समय के महाबलीपुरम के जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो इसी बिल्ली की पूजा करते थे, एंशिएंट इजिप्ट समय के। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसको अपनी खुद की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, उसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। मृदु डिमा हाँ, व्हाट डज हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने क्या कहा कि इसके साथ इसका क्या किया जा सकता है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेड या दैट इट। तो वो क्या कहता है कि तुम्हें यकीन हो ना हो, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि ये जो बिल्ली है, ये उसी राजघराने की गॉडेस जिसको पूजा करते थे, उसी की ये मेंबर है। सो वेल ऑफ द डिसेंडेंट, जो उसके वंशज हैं, ऑफ दैट कैट गॉडेस, जो उस भगवान बिल्ली की जो वंशज ये महेंद्रन कैट है, वॉज अ स्टो स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स। स्टो अवे का मतलब है समवन हु हाइड हिमसेल्फ। जो अपने आप को छुपा ले, किसी से छुप जाए, तो क्या कह रहा है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, उस भगवान वाली जो बिल्ली थी पुराने समय की, उसका कोई वंशज, मतलब उसके घर का कोई मेंबर जो था, वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो पल्लव राजाओं के जहाज थे उसमें वो छुप गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरेस हिज ट्विग एट महेंद्रन। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है रवि, कि जो गॉड बिल्ली थी, उसका जो डिसेंडेंट है, उसका जो वंशज है, उसका जो परिवार का मेंबर है, वो कौन है, महाबलीपुरम वाली ऋषि कैट, और उस ऋषि कैट की वंशज कौन है, ये महेंद्रन जो हमारे घर में बैठा हुआ है, ये जो किटन है। एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई मतलब जो ये महेंद्रन है। हु ही शीक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो बड़ा खुश है अपने आप में, बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा है ये सब बातें। महेंद्र लुक अप अलार्म, महेंद्र बहुत ज्यादा चौकन्ना दिख रहा है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और महेंद्र ने ये सब बातें करते करते, डींगे हाँकते हाँकते, कोकोनट शेल से अपने टीथ को साफ कर रहा है। बट वॉज देन रवीज ऑफुल हूप पीक वॉज अ क्रीच,
फ्रॉम द विंडो। और रवि की जो आवाज है दांत से आ रही है उस बेकार आवाज से भी बेकार एक आवाज थी जो विंडो से आई, खिड़की से आई। व्हाट अ वियर्ड साउंड, मृदु ने कहा कि ये कैसी अजीब सी आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टर एम्पी पुनाई वॉज फ्राइटेन आउट ऑफ हिज ट्विग्स ऑफ हिज विड्स। अब मृदु जब चिल्लाई तो एम्पी पुनिया जो है, महेंद्रन जो है, वो थोड़ा सा डर गया। एम्पी पुनाई वॉज फ्राइटेन आउट ऑफ हिज विड्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कुरी टुवर्ड्स अ बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज देन हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अब वो डर के मारा, जो महेंद्रन था वो डर के मारा क्या करता है, उछल जाता है और कहाँ जाता है, जो चिलीज ड्राई करने के लिए रखी गई हैं उन पर चला जाता है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। अब वो किटन जो है वो डर गया, अब वो छुपने की कोशिश करता है। ही ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ चिलीज गिरा ली। मियाउ मियाउ ही हॉल्ड मिजरेबली, अब वो बहुत बुरी तरह से मियाउ मियाउ करके चिल्ला रहा। द क्रीचिंग, द क्रीचिंग मतलब रेंगना, मतलब धीरे धीरे, वो छोटा सा किटन है तो धीरे धीरे वो चल रहा है। वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु ने कहा कैसी आवाज थी ये जो इतनी जोर से आई है विंडो के पास से। दैट्स लर्ली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने धीरे से बोला गुस्से में कि ये लल्ली है जो वायलिन सीख रही है, ये उसकी आवाज थी। शी नेवर लर्न अ थिंग, वो एक चीज कभी नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, और जो म्यूजिक सिखाने वाले सर है वो तो बिल्कुल ट्रेन की तरह तेजी से बस सिखाते चले जाते हैं। व्हाइल लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जो लल्ली है वो पूरे टाइम बस देखती रहती, इधर उधर करती रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और जब वो बजाती है तो बिल्कुल एकदम गंदा बजाती है। सो मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है वो विंडो के अंदर झांकती है। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लली जो है वो खिड़की से थोड़ी दूर पर बैठी हुई है। अवे हाँ, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बूस्टिंग हर एल्बोज, जुटिंग अबाउट द हर एंड हर आईज ग्लेज विथ कॉन्सेंट्रेशन। अब वॉयलिन को कैसे लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ऐसे पकड़ कर वो ऑकवर्डली एकदम पकड़ कर ऐसे बैठी हुई है वॉयलिन को, और पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसका वॉयलिन पर है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके सामने उसके म्यूजिक मास्टर का, वो उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन मतलब आउटफिट। तो उनका जो कपड़ा है वो बहुत पुराना सा है, उनका सर लगभग गंजा है, और बिल्कुल उनके जो हेयर है, थोड़े थोड़े जो बाल हैं वो उनके ईयर के आसपास फैले हुए हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीथरी नेक, उनकी जो पतली सी गर्दन है उस पर एक गोल्ड चेन उन्होंने पहनी हुई है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है, हीरे की अंगूठी है, जिसकी चमक वायलिन पर पड़ रही है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर हाँ बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रॉनी बिग टो, उनके पतले से जो पैर हैं उनको वो फ्लोर पर पटक रहे हैं, मतलब जब कुछ गलती हो जा रही है
तो वो गुस्से से थोड़ा सा चिढ़ भी रहा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। इसकी वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंस और हार्ड वर्ड हम करा देंगे। वर्ड मीनिंग आप लोग कर लीजिएगा, पूरे जिस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है उसको कंप्लीटली कर लीजिएगा। ठीक है जैनब? यस मैम, थैंक चलो, थैंक यू, बाय बाय। यू मैम।